जप नाम। मैं मलिक आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये बात करेंगे कि अगर हमारे लग्न में 9 नंबर लिखा है, क्या हमारे चंद्र देवता जिस घर में बैठे हैं वहां 9 नंबर लिखा है, तो हमारा स्वभाव कैसा होगा। आइए देखते हैं। 9 नंबर का मतलब होता है धनु राशि। अब धनु राशि के जो जातक और जातिकाएं होती हैं वो हमेशा सत्य बोलते हैं। ऐसे लोग बहुत ईमानदार होते हैं। हाँ, इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, इनकी जो वाणी है उसमें थोड़ी कटुता होती है। अब इनका नेचर ऐसा है कि ये सत्य बोलते हैं। अब अगर सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये अपनी सत्यवादी जो इनकी इनका जो नेचर है उससे हट नहीं सकते। दूसरा, सत्य तो अब आपने बोल दिया, लेकिन आजकल की दुनिया में सत्य सुनना कौन चाहता है। इसलिए बेहतर करने के बावजूद इन लोगों को यश और सम्मान नहीं मिलता। ये इनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये फैशन और दिखावे में विश्वास नहीं रखते। पैसा कैसे बचाना है, पैसे को सेव कैसे करना है, इनको बहुत अच्छी तरह आता है। अपने लक्ष्य के प्रति ये लोग हमेशा भागते रहते हैं। कद काठी इनकी अच्छी होती है, हाँ, लेकिन मिडिल लाइफ में 40 और 60 के बीच में ये थोड़े मोटे हो जाते हैं। आकर्षित चेहरा होता है, सामने वाले को श्रद्धा से झुका देते हैं, इनमें ये खूबी होती है। इनको थोड़ा डिप्लोमेटिक होना चाहिए। आजकल के परिवेश में आप लोग वो बोलें जो दूसरा सुनना चाहता है, आप लोग वो करें जो दूसरा आपसे चाहता है। इसी को तो हम लोग डिप्लोमेसी कहते हैं। सच बातें कौन सुनना चाहता है आजकल, तो थोड़ा डिप्लोमेटिक बने। अपने मन की बात दूसरे को इस तरह बताएं जो उसको सुनने में अच्छा लगे। आप गाली भी तो देते हैं, लेकिन गाली उस तरीके से दें जो दूसरा आपको बोले कि मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगा, दे तो तब भी गाली दें। यही तो है डिप्लोमेसी। ये जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होता है। हाँ, अपनी बीवी की या अपने पति की बात नहीं सुनते, लेकिन अगर इनकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम हो तो ये जी जान से कोशिश करते हैं कि अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाएं, दूसरे को समझें और अपनी बातें भी उसको समझाएं। ये शादी टूटने नहीं देते। ऐसे लोग अपने रिश्तों के प्रति बेहद समर्पित होते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। इनकी जो विवेक और बुद्धि है वो बहुत तीक्ष्ण होती है। ये हर कार्य को अंत तक कंप्लीट करते हैं और बेहद डिटर्मिनेशन के साथ अपने लक्ष्य से कभी नहीं हिलते। ये लोग ये अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख को देखते हैं और वो जो आंख होती है वो इनका लक्ष्य होता है। ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। तो अब आपने ये जाना कि धनु राशि वाले उनका स्वभाव कैसा होगा, अच्छाइयां भी जानी। बस एक कमी, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बने और दुनिया आपकी होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जप नाम।